क्या मस्त नींद पूरी की आज मैंने. बीच में आंटी आई, वो थोड़ा सा अपना काम करती रही, मैं आधी पिछाधी नींद में रही, कभी कुछ किया. एंड आई एम लाइक, जब आंटी चली गई मैं फिर से सो गई. ओके, आज मैंने आधा दिन सिर्फ नींद पूरी की. इज फीलिंग गुड, क्योंकि बाकी का दिन फिर आराम से अपना काम करेंगी. आरव जी स्कूल से आ चुके हैं, वो खा रहे हैं साग रोटी. मेरा साग रोटी खाने का मन नहीं था, क्योंकि मैंने सुबह भी वही खाया था, कल रात को भी वही खाया था, तो हम खा रहे हैं कुछ और. हम खा रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक, देख के डर मत जाना, ये है काली मिर्ची, जिसको मैंने खूब सारी काली मिर्ची डाली है, हल्का सा नमक डाला है. खीरे टमाटर वाला मैं खाने वाली हूँ सैंडविच, एक में मेयोनीज लगाई हुई है और एक में टमाटो सॉस लगाई है. बस जितना खीरा टमाटर इसके अंदर जाएगा खाएंगे, बाकी का वैसे खा लेंगे. साथ में कप चाय हो जाएगी, बाद में बनाती हूँ. जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना, या कुछ मज़ा नहीं आता ना, कोई टेस्टी सी सब्जी नहीं बनी होती ना, चुप करके मैं खीरे टमाटर वाला ये वाला सैंडविच खा लेती हूँ. ओके, फटाफट से नहा लिया और एक कप चाय चाहिए मुझे. वैसे भी शाम हो गया, जा रहा के पापा नहीं आए क्योंकि आज मीटिंग थी उनकी, तो वो थोड़ा लेट ही आएंगे 8 साढ़े 8 बजे तक. तो सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, घर पे है सिलेंडर भरा हुआ, बट उसको लगाना पड़ेगा. और वो ना अंदर ड्रॉ में करके, तो मैं खुद अकेले में ना इतना ज़्यादा पंगे नहीं लेती. एक तो भारी होता है डालना उसको ड्रॉ के अंदर, पूरा हमने अंदर कैबिनेट के अंदर पूरा उसका वो बनाया हुआ ना, तो वो काम तो वही करेंगे. आई जस्ट नीड अ कप ऑफ चाय, और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी. प्लग इन मैंने कर दिया है और आज हम चाय बनाएंगे गाइस. इसके ऊपर ये है अगारो का मल्टी कैटल है ये, इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो. ठीक है, इसके साथ आपको एक बड़ा सुंदर सा लिड मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट है, और अंडा वगैरह बॉईल कर सकते हो इन केस अगर आपको यू नो कुछ कोई जैसे मोमोज बनाने, उसके लिए भी एक छोटू सा यू नो स्टीमर सा दिया हुआ है. सब्जी बना सकते हो, चाय बना सकते हो, अगर आप बैचलर हो, अगर आप हॉस्टल में लड़कियां हैं जो रहती हैं, ठीक है, तो उस केस में आई थिंक ये बहुत यूज वाला सामान है. मुझे तो ये बहुत पसंद आया. ठीक है, हम घर पे होते तो हम इतना ज्यादा मैं चाहे इसको यूज करते, बट इमरजेंसी के लिए ये तो मेरे बहुत काम की चीज है. मैं इसमें हमेशा, अब देखो जैसे गैस नहीं है तो मैं फटाफट से इसमें चाय बना लूंगी, जस्ट आपको इसको ऑन करना है. ठीक है, यहाँ पे आपको कीप वार्म हीटिंग, रोज सुबह अगर आपको पानी पीना है ना, अगर आपको गैस में नहीं गर्म करना ना, तो आप इसमें अपना 1 कप पानी गर्म कर सकते हो बॉइलिंग के लिए. मल्टी कैटल है, आई लव इट. दूध ले लिया मैंने, हाँ जी, कप भर के चाय पीनी है मैंने. इसमें कॉफी नहीं होती भाई, इसमें होती है हमारी इलायची. तो एक इलायची जाएगी चाय के अंदर. इलायची को अच्छी तरह से कूट लूंगी ताकि उसका सारा फ्लेवर आ जाए. किसको किसको इलायची वाली चाय पसंद है? अभी तक मैंने ना अदरक वाली चाय शुरू नहीं की, अभी जैसे ठंड आई ना, बस अब बाद में तो अदरक वाली चाय ही पीनी है. वो भी बड़ा मजा आता है ना ठंड में, अदरक तुलसी सब कुछ डाल के. चलो जी, हम कर देते हैं इसको ऑन, और इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ. देखा, लाइट ऑन हो गई है. चलो, यहाँ पे एक आपको साइन सा दिया हुआ है, उसमें मैंने कर देना बॉइलिंग पे. लेट मी शो यू, ये एक छोटा सा नॉब सा दिया हुआ है ना, इसको बॉइलिंग पे कर दिया मैंने. चाय के साथ मैं खाऊंगी लहसुन सेमिया, बहुत टेस्टी लगती है मेरे को. बेसन वाली होती है ना ये लहसुनी सेमिया. लिंक डाल दूंगी गाइस मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इसको बाय कर सकते हो. अच्छी खासी कट गई है, बंद कर दिया हमने इसका स्विच. एंड लेट मी पोर माय चाय. ये रही मेरी कप भर के चाय. मेरी चाय थोड़ी सी पतली होती है, मैं ज्यादा दूध नहीं डालती, क्या करें, वेट कॉन्शियस. पीछे से मैं आपको दिखा दूं, बर्तन कुछ ऐसा होता है, जलता नहीं है, ठीक है, बट आप इसको आंटी को मत दो धोने के लिए. आप ऊपर ऊपर से इसको बहुत अच्छे से क्लीन अप सा कर लो ढंग से. आंटी धोएंगी तो वो पूरा पीछे ना इधर उधर पानी डालेंगी,
तो ये मैं खुद ही इसको वॉश करती हूँ, जो मैं अभी करने भी वाली हूँ। उसी समय धो ना गाइस, तो ये खराब नहीं होगी। आंटी के लिए छोड़ दो, आंटी धोएंगी तो फिर वो तो ऐसी वाली चीज होती है ना डेलिकेट, वो मैं खुद ही अपने आप ही करती हूँ। चलो जी हो गया। बहुत अच्छी तरह से ये क्लीन कर दी मैंने, ठीक है, कोई दाग नहीं, कोई कुछ नहीं। आई लाइक इट। लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब आप वहां से इसको बाय कर सकते हो। मैं चलिए अपनी चाय एंजॉय करने। अभी जोत जलाइए ना, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाती हूँ। अरे वो अपने ट्यूशन गया हुआ है। या मैं आपको चाय पी के बाय। मैंने ना गाइस दो इंस्टाग्राम की रील्स बनाई थी, सोचा मैं इस वीडियो में भी इंक्लूड करूं। तो ये थी एक फ्लीस लेगिंग वाली रील थी, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आउटफिट की बात करूं ना, तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। तो जो टॉप है वो मीशो की टॉप है, ठीक है। स्कर्ट मैंने पेयर अप की थी अपनी मिंत्रा की, और नीचे फ्लीस लेगिंग थी जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी। तो पूरा ट्राई कर रही थी मैं पूरा लुक क्रिएट कर सकूँ आप लोगों के लिए एक विंटर। एंड नीचे मैंने अपनी ब्लैक कलर की हील्स डाली थी, टाइटन की वॉच डाली थी, एंड जितनी भी ज्वेलरी है ना, ये गोल्ड की ज्वेलरी है, गोल्ड एंड डायमंड की, फ्रॉम द ब्रांड ब्लू स्टोन। अनस्पॉन्सर्ड, ब्लू स्टोन वाले मुझे कुछ नहीं भेजते भैया, मैं खुद ही खरीदती हूँ। मिनीसो का बैग था, मिनीसो स्टोर गई थी ना मम्मा के साथ, तो वहाँ से लेके आई थी। आपको ऐसे मिलता जुलता बैग, और जो मेरा ब्लेजर है वो अरबेनी का था, ये आउट ऑफ स्टॉक है ब्लेजर, बट ऐसे मिलते जुलते जो भी चीज़ें होंगी ना मिंत्रा पे अवेलेबल होंगी, मैं आपको लिंक डाउन कर दूंगी। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चिल एंड बाय, लव यू। ओके गाइज, दो दिन के बाद मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। पता नहीं परसों शूट कर रही थी मैं, बीच में अपना काम करने लगी, और आज हेडेक होने लगा मेरा। अभी दिख रहा है आपको, यहाँ पे बाम लगाई थी ना, तो वो पूरे आईब्रोज चिपक गए मेरे उसके साथ। आज मैंने शाम को वीडियो भी शूट करनी थी, बट बाम जब लगाई ना सिर के ऊपर, दवा खा ली थी, मैं सोचे बाम लगा के सो जाती हूँ, सारी बालों के ऊपर लग गई थी। तो आई नीड टू वॉश माई हेयर, सिर धोना पड़ेगा तभी ब्लॉग, तभी कोई वीडियो बना सकूंगी मेन चैनल के लिए। अच्छा कर क्या रही हूँ, डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, वो दिखाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं घर पे पनीर टिक्का बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तवे पे ही बनाऊंगी। लेट्स सी द टेस्ट कैसा आता है। दही हंग, थोड़ी सी दही पड़ी हुई थी मेरे पास, एक डब्बी जो आती नहीं है डब्बी में, वो पड़ी हुई थी। पनीर के मोटे मोटे टुकड़े डाल दिए हैं, शिमला मिर्च डाल दी है, प्याज डाल दिया, अभी तक बस इतना ही काम किया। नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्ची, सूखा धनिया, वही यार जो बेसिक वाले हमारे किचन के मसाले होते हैं, ठीक है। ये आधे घंटे से ऐसे ही पड़ा हुआ, आधे पौने घंटे से दिमाग में है कि मैंने थोड़ा सा देखा गूगल पे उसमें और क्या डलता है, अदरक लहसुन का ना पेस्ट डलता है, तो इसको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है, धो लिया, अब इसको अच्छी तरह से कूट के इसके अंदर डाल दूंगी एंड फिर रहने दूंगी ऐसे ही। एक्चुअली बनानी थी पाव भाजी, तो इधर ना पाव मिल नहीं रही थी, तो अब मैं पाव मंगवाऊंगी ब्लिंकिट से कल, अभी ऑर्डर कर दूंगी तो कल आ जाएगी, उसी समय नहीं आती, सॉरी ब्लिंकिट नहीं, बिग बास्केट से। ब्लिंकिट तो पता नहीं क्या हो गया है, इधर आ ही नहीं रहा अब, ठीक है। तो बिग बास्केट से करूंगी, वो एक दिन के बाद उसकी डिलीवरी होती, तो अभी रात को कर दूंगी तो कल आ जाएगी। मीनवाइल मैंने सोचा यार पनीर मंगवाया है मैंने, वो जोमेटो से मंगवा दिया था, तो कुछ कुछ करते हैं, वही पनीर भुर्जी बना लो, शाही पनीर बना लो, मैंने बोला ये बना के देखती हूँ शायद अच्छा लगे, तो आई नो ये बहुत टेस्टी लगता है, बट सुना है कभी खाया नहीं है मैंने पनीर टिक्का एज सच, ठीक है। अच्छे से मिक्स करते हैं, आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि आरव के पापा जब आएंगे ना तब बनाऊंगे। एंड गाइस इसमें से इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना, इट्स लाइक बहुत अच्छा लगा, जो दही और वो सारा जो मैंने मैरिनेट तैयार किया ना, जब मैंने इसको टेस्ट किया ना मजा आ गया। इसमें चाट मसाला भी डालते हैं, बट मैं अभी नहीं उसको डालूंगी क्योंकि दही ऑलरेडी बहुत खट्टी थी, अभी पंगे नहीं लेते,
उन्होंने लिखा हुआ था, जो रेसिपी मैंने ऐसी गूगल पे निकाल ली थी कि आप एट द एंड ना जब सारा तैयार हो जाता है उसके ऊपर आप हल्का सा चाट मसाला डाल के खा सकते हो, तो उस समय अगर मुझे कम लगेगा तो मैं डाल लूंगी। ठीक है जी, मीनवाइल एक दो चीजें हैं जो मैं, अरे यार यूट्यूब शॉर्ट में ना यूट्यूब ने ना लिंक्स बंद कर दी, मतलब सबके बंद कर दी, यानी कि मेरे बंद किए, तो नहीं तो छोटे छोटे पहले मैं बॉक्सेस नहीं खोल के अनबॉक्स कर देती थी यूट्यूब शॉर्ट में फटाफट से। अब करने का भी क्या फायदा, मैं करूंगी, आप लोग बोलेंगे दी लिंक दे दो लिंक दे दो, मैं लिंक दे ही नहीं सकती क्योंकि लिंक्स डालूंगी वो काम ही नहीं करेंगे। अभी दो चीजें हैं जो मेरे सामने पड़ी, दिखाती हूँ। अच्छा मेरा मजाक मत उड़ाना, मेरे छोटे छोटे नेल्स आए थे, छोटे छोटे नेल्स आ रहे थे, ये तो आया ही नहीं अभी तक। एनीवेज तो फिर खुश होके नेल पॉलिशेस मंगवा ली, ये देखो न्यूड शेड्स मंगवाए हैं मैंने। यस ये है, फटाफट से दिखा दूं, फेसेस कनाडा का ये एक नेल पॉलिश रिमूवर है, स्विस ब्यूटी की ये जो न्यूड नेल पॉलिश है, ये है शेड, दिख नहीं रहा, SB105 क्या नाम था इसका, SB105 डेजर्ट टॉप टोपा, फेसेस कनाडा की, इसका नेम दिख नहीं रहा। अच्छा नहीं सॉरी, ये क्या है, देख बेटा कितना फोन आ, अल्टाइम प्रो स्प्लैश CC5885 आप CC5888838 ये है बेस ड्रीम, उसको उठाओ उसको उठाओ उठाओ उठाओ, हेलो कि ये मंगवाई है मैंने फॉकलर की ना, बीच में बंद हो गई थी यहाँ पे मिलने प्रोडक्ट्स, तो बट इनके प्रोडक्ट्स के जो आई शेडो पैलेट्स होती है ना वो बहुत अच्छी होती हैं, तो ये देख सकते हो आप, ये अमेजोन पे मैंने बाई चांस देखा कि फॉकलर की आई शेडो पैलेट मिल रही है, ये कुछ नया दिखा मुझे तो मैंने ले लिया, मुझे अच्छी लग रही थी, अब इसके साथ कोई आई मेकअप लुक क्रिएट करूंगी मैं। 1000 रुपीज़ की थी आई थिंक, याद नहीं आ रहा, हाँ इतने की तो थी। चलो मिंत्रा से एक वुलन स्कर्ट मंगवाई है, जो आप देखोगे जब मैं इसको स्टाइलिंग वाला वीडियो डालूंगी ना, अभी रिसेंटली जो डाला वैसा ही कुछ ही ना स्टाइलिंग वीडियो डालूंगी, तो ये पीछे वाला हिस्सा वुलन स्कर्ट है, ये हल्की सी मतलब वॉर्म है ये, ठीक है, पीछे से ऐसे कटआउट है और प्लेन ब्लैक स्कर्ट है, ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग वीडियो आएगी तो आपको इंस्टाग्राम रील एंड वाईटी शॉर्ट में आपको दिख ही जाएगा। एक कब से दिया होगा, तुमसे खाया नहीं जाता, जल्दी जल्दी मारो स्पीड, फटाफट से खाओ, हल्के से इसको पनीर फ्राई कर दिया मैंने, उसके ऊपर नमक डाला देसी घी में ना, हल्का सा पनीर को फ्राई करके, इतना धीरे धीरे खाते हो, जल्दी जल्दी खाओ। चलो अब बनाने का टाइम आ गया है, मैंने सोचा जैसे ही सर्व करते हैं उसी से पहले इसको बनाते, सरसों का तेल ले लिया, उसको अच्छी तरह से गर्म करके मैंने ना सारा कुछ कढ़ाई में डाल दिया, तो एक एक पीस करके कहाँ डालती यार, अब इतना सारा जो मैरिनेट बनाया तो उसका करना क्या था फिर, बेसिकली मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी सारी जो दही डाली हुई थी सिम पे करके मैंने इसको, पहले तो ऑन पे करके सारा दही वगैरह सुखा ली, फिर बाद में सिम पे करके अब मैं इसको ना अच्छे से धीरे धीरे भून रही थी, टेस्ट इसका हल्का सा खट्टा खट्टा सा आ रहा था क्योंकि दही की वजह से टेस्ट भी अच्छा आ रहा था, बट मुझे ऐसे लग रहा था जैसे शिमला मिर्च पनीर की सब्जी बना ली हो, बट डिफरेंट टेस्ट था। अब मैं बाहर जाके एक बार ना पनीर टिक्का खा के आऊँगी, फिर मैं देखूँगी कि मैंने मेरा वाला क्या टेस्ट है और जो बाहर एक्चुअल में बिकता उसका क्या टेस्ट है, बट जो भी बनाया हमने फुलके के साथ खा लिया, एंड दिस वाज आवर डिनर, चलो बाय गुड नाइट।